हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुप्रणम मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं, हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, नर्वस सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, ऐसा सिस्टम जो मध्य अपने सारी नर्व्स जो होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, वो होता है नर्वस सिस्टम। अब नर्व्स काम क्या करती हैं, सबसे पहले हमारे ये सोचने की बात ये आती है कि नर्व्स काम क्या करती हैं, यानी कि जितने भी अपने एक्शन और बॉडी के रिएक्शन होते हैं उनको वापस से वही कभी भी एक्शन हो रहा हो तो उसके वापस हैंड में किस तरीके से रिएक्ट करना है, उसके सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाने के या अदर बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने का काम नर्व्स ही करती हैं, ठीक है ना। तो नर्व्स क्या कर रही है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है अपनी बॉडी के अंदर। जैसे मान लो कि आप लोग क्या करते हैं, किसी गर्म चाय कप को टच कर लेते हैं तो अपनी बॉडी अपने अपना हाथ क्या होता है वहाँ से हैंड में हट जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, जैसे अपने गर्म चाय कप को टच किया होता है वहाँ से क्या होता है, अपने हाथ से सिग्नल भेजे जाते हैं नर्व्स के थ्रू अपने ब्रेन तक, और ब्रेन क्या करता है इंस्ट्रक्शन देता है अपने हाथ को कि भाई वहाँ से हाथ हटाने। लेकिन ये जो वर्किंग होती है इतनी फास्ट होती है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो मतलब इतना फास्ट वर्किंग होती है कि अपन ये इतना मतलब कि अपन उसको एक एक प्रोसेस को कम्प्लीट नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो वर्किंग होती है किसके थ्रू होती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। ये तो थी हमारे मतलब कि भाई नर्वस सिस्टम होता क्या है और नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। नर्वस सिस्टम के अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ है, तो कुछ भागों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक ही बात मिलती जुलती है दोनों। फर्स्ट आ रहा है आपके पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अपन बात ह्यूमन नर्वस सिस्टम की करेंगे। इट इज सिस्टम विच एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड वेरियस ऑर्गन, यानी कि अपने आसपास का जो वातावरण है और अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम ये करता है, बिटवीन एनवायरनमेंट एंड वेरियस ऑर्गन एंड विदाउट विद इन ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के अंदर भी आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे ये हाथ साथ में चल रहा है उसके आप में दूसरा हाथ चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, उस कोऑर्डिनेशन को साथ में प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम। इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अब नर्वस सिस्टम ह्यूमन के अंदर क्या है, दो भागों में बैठा हुआ है। कौन कौन से दो भाग है, देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। कौन कौन से दो भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। दोनों के नाम अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इन दोनों टॉपिक के बारे में भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आ गया अपने पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये क्या होता है, मेनली ब्रेन स्पिनल कॉर्ड और नर्व सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। किस किस से मिलकर बना होता है, ब्रेन स्पिनल कॉर्ड और अपने पास जो होती है नर्व सेल, उससे मिलकर बना हुआ होता है। तीन प्रकार की सेल्स आ रही है, ब्रेन, नर्व सेल्स और स्पिनल कॉर्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। फर्स्ट आ जाता है अपने पास ब्रेन। तो ब्रेन, ब्रेन का नाम सुनते ही मतलब सबको समझ में आ जाता है कि भाई जो अपना माइंड है, यानी कि अपने जो खोपड़े के अंदर जो मतलब दिमाग होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्रेन। वो सारी बॉडी का कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब कौन सा वर्क किस टाइम पे होना चाहिए, सोचने समझने की सारी जो शक्ति होती है वो किस में होती है, ब्रेन में ही होती है। अगर ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो बॉडी वर्क करना बंद कर सकती है बिल्कुल, ठीक है। तो देखें ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये क्या है, किसी की भी बॉडी या किसी भी ह्यूमंस का सबसे सेंट्रल ऑर्गन है, विच वर्क्स फॉर एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को लेने या देने का काम कर रहा है, प्रोवाइड कमांड्स, कमांड प्रोवाइड करने का काम कर रहा है एंड कंट्रोल वेरियस बॉडी सिस्टम, बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को परफॉर्म करने का काम कर रहा है, ठीक है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ बॉडी वेटिंग 1.5 kg, लगभग 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है और सबसे जटिल ऑर्गन है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान नहीं होता। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ब्रेन को भी तीन भागों में बांटा गया है। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। कितने भाग इसके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो तीनों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। फोर ब्रेन क्या है, उसमें देखें सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस कंस्टिट्यूट फोर ब्रेन। ये तीन भाग मिलकर क्या बना रहे हैं, फोर ब्रेन। तो देखिए फर्स्ट आ रहे हैं हमारे सेरेब्रम इज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच परफॉर्म
फंक्शन रिलेटेड टू नॉलेज थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस ईटीसी, यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति होती है और भाई मतलब एक टाइम पे एक्टिव रहने की जो कैपेसिटी होती है शक्ति होती है वो सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, फोर ब्रेन के अंदर हो रहा है। फोर ब्रेन के भी कौन से पार्ट के थ्रू हो रहा है अपने पास, सेरेब्रम के साथ में, ठीक है सेरेब्रम के साथ में। फिर आ रहा है डार्क लॉन्ग टिश्यू, एक डार्क लॉन्ग टिश्यू जो होता है डिवाइड्स द सेरेब्रम इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फिर ये अपने पास क्या हो रहा है, डार्क लॉन्ग टिश्यू जो आ रहा है उसकी वजह से ये दो भागों में बढ़ रहा है, कौन कौन से हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर दो छोटे छोटे गोले हो गए ये समझ सकते हैं। बोथ द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दोनों हेमिस्फीयर क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए भी होते हैं और जुड़े हुए होते हैं बाय ए स्ट्रिप कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम, यानी कि दोनों एक स्ट्रिप के थ्रू जुड़े हुए होते हैं जिसको कॉर्पस कॉलोसम बोला जाता है, ठीक है ना। सेरेब्रम इज सराउंडेड बाय थैलेमस, ये चारों तरफ से थैलेमस से घिरा हुआ होता है। थैलेमस इज सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, यानी सेंसरी सिग्नल्स यानी किसी भी जिसमें सेंसर ऑर्गन जो होते हैं ना उनसे जो भी अपन को सिग्नल्स मिलते हैं वो थैलेमस के पास ही पहुंचते हैं और थैलेमस जुड़ा हुआ होता है अपने फोरब्रेन के पास, तो फोरब्रेन में फिर सिग्नल इस तरीके से पहुंचाए जाते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, सेंट्रल ऑर्गन हो गया बीच का जो सिग्नल्स को मोटर सिग्नल्स हो गए सेंसर सिग्नल्स हो गए उनको पहुंचाने और लेने का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये तो बात हुई हमारे पास फोरब्रेन की, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, दिस इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स, इसको चार लोब्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से चार लोब्स हैं, विच इज सिचुएटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड हिंड ब्रेन, जो हाइपोथैलेमस और मिड ब्रेन दोनों के बीच में स्थित होते हैं, सॉरी हिंड ब्रेन के बीच में स्थित होते हैं। अपर टू लोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एंड लोअर टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, ऊपर वाले जो होते हैं वो तो देखने के काम आ रहे हैं और नीचे वाले जो दो हैं वो क्या हैं, सुनने के काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आई अपने पास हिंड ब्रेन, अब हिंड ब्रेन क्या होता है, सबसे अंतिम भाग होता है किसका, ब्रेन का। हाँ दिस पार्ट इंक्लूड सेरेब्रम पॉन्स एंड मेडुला, यानी कि इसमें क्या है सेरेब्रम और पॉन्स और मेडुला ओब्लॉन्गेटा, इन तीनों को इंक्लूड किया गया है। कंट्रोल वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करती है। वॉलंटरी मसल्स क्या होता है, अब वॉलंटरी मसल्स ऐसी मसल्स जिन जो अपनी इच्छा के अनुसार चलती हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, हिंड ब्रेन, ठीक है। वॉलंटरी मूवमेंट होता है ऐसी वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो अपने इच्छा से ऐच्छिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो अपन खुद करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार वो होती हैं वॉलंटरी मोशंस या वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। और ऐसे जो अपने इच्छा के अनुसार नहीं हो रही अपन नहीं चाहते तो भी होगी तो वो होती है इनवॉलंटरी, ठीक है। पॉन्स कनेक्टेड वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विद ईच अदर, मेडुला ओब्लॉन्गेटा कंट्रोल, हाँ पॉन्स क्या करता है, जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। फिर मेडुला ओब्लॉन्गेटा कंट्रोल्स नॉन वॉलंटरी एक्टिविटीज, हाँ मेडुला ओब्लॉन्गेटा क्या कर रहे हैं, जो नॉन वॉलंटरी एक्टिविटीज होती है जिन पे अपना कंट्रोल नहीं होता, जैसे खाने का पचना, अपने जो हार्ट है उसकी धड़कन है चलना और ये तो रेस्पिरेशन वगैरह हो गए, बहुत सारी प्रोसेस जो होती हैं उन सब पे कंट्रोल करने का काम कौन कर रहे हैं, हिंड ब्रेन में होता आया था। हिंड ब्रेन के कौन से भाग में हो रहा है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा के थ्रू, देखें मेडुला ओब्लॉन्गेटा कंट्रोल्स नॉन वॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक हार्ट बीपी सेक्रेशन जूस ईटीसी। लास्ट पार्ट ऑफ ब्लड इज कनेक्टेड टू स्पिनल कोर्ड, ये अंतिम भाग होता है जो सीधा स्पिनल कोर्ड से जाकर के जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारे बात ह्यूमन ब्रेन की, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। एक बार तीनों भाग को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ भी इश्यू हो तो वापस से एक बार जरूर पूछ लें, ठीक है। तो आज की क्लास तो हमारी इसी टॉपिक के साथ में खत्म होती है, नेक्स्ट आने वाली आगे वाली क्लास में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डेली के नोट्स डेली कंप्लीट उतार लें, कोई भी इशू हो तो डेली के डेली कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक जो स्पिंडल कोड है उसको डिस्कस करेंगे।